सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है KTM ड्यूक 200 के बारे में। बाइक के बारे में सारी डिटेल आज के वीडियो में आप लोगों को मिल जाने वाली है। ड्यूक 200 लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो कलर ऑप्शंस के साथ। तो टोटल दो कलर ऑप्शन में बाइक अवेलेबल रहेगा और ये रहते हो नहीं अपने पास अवेलेबल अभी के लिए, ब्लैक ऑरेंज और ब्लैक सिल्वर। अभी आगे चल के आप लोगों को एक सही से मैं सेकेंड कलर ऑप्शन का भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वापस आ जाते हैं अपने बैक टू ब्लैक एंड ऑरेंज। सेकेंड कलर का वीडियो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ अभी, तो आप लोग इससे पहले देख चुके होंगे। ये रहा अपना ब्लैक एंड ऑरेंज। प्राइसिंग दोनों ही कलर ऑप्शन की आपका सेम ही रहेगा। 2.29 ऑन रोड जयपुर ड्यूक 200 आप लोगों को कॉस्ट करने वाली है। अब इस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक ना काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो जाता है। स्लिप एंड असिस्ट क्लच है, ड्यूल चैनल ABS विद सुपर मोटो ABS यानी कि रियर ABS स्विचेबल यहाँ पे मिल जाता है। लुक्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं और एक कह सकते हैं ऑल टुगेदर आप लोगों को यहाँ पे फन टू राइड मशीन मिल जाने वाली है। 25 PHP का यहाँ पर आप लोगों को पीक पावर भी मिल जाता है। काफ़ी क्विक ये बाइक ना हो जाती है। टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है ना इस बाइक की, वो रहती है अपनी 140 से लेकर के 145-148 किलोमीटर पर आर की। अब लोग इसी से आइडिया कर सकते हो कि कितना ही ज़्यादा फन टू राइड मशीन ये हो जाती है। 2.29 ऑन रोड जयपुर। आप देख लेते हैं क्या कुछ इस प्राइस पॉइंट पे करने के बाद आपको बाइक में मिल जाने वाला है। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सो लाइटिंग सेटअप ओवरऑल यहाँ पे आप लोगों को LED में ही मिलेगा। यह जो अपना नंबर प्लेट का होल्डर, इस टाइप से LED में इंडिकेटर है। हालांकि हजार्ड कंपनी से नहीं मिलेगा, वो चीज़ आप लोगों को आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन करवाना रहेगा। ये कुछ अपना ओवरव्यू बनता है हेडलैम्प का, जैसा कि शेप पहले आया करता था ड्यूक 250 में भी और ड्यूक 390 में भी, वही शेप अभी भी हेडलैम्प का यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। और इस शेप के ना भैया काफ़ी लोग आप में से ही दीवाने हैं, मुझे कमेंट भी आते हैं कि पुराना वाला शेप अभी भी मिल सकता है क्या ड्यूक 250 का। बट नहीं भाई, वो नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को यही शेप चाहिए तो 200 आप लोग ले सकते हो, कोई ऑप्शन एक दिक्कत यहाँ भी नहीं है। पावर भी काफ़ी इनफ मिल जाता है। क्लच का लीवर कुछ इस टाइप से है। ये रहा आपका यहाँ पे रबर कवरिंग। बार एंड भी अवेलेबल नहीं है। रियर व्यू मिरर इस बाइक में इंस्टॉल नहीं है, यहाँ पे दोनों ही बाइक्स पे, बट ये रहा अपना रियर व्यू मिरर्स। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस टाइप से लुक आएगा KTM की प्रॉपर। यहाँ पे मार्किंग भी मिल जाने वाली है। तो लाइटिंग ओवरऑल फ्रंट भी और रियर भी LED में ही यहाँ पे मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करते हैं तो अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाता है WP एपेक्स सीरीज का, एंड्यूरेंस का, जिसकी की प्रॉपर यहाँ पे मार्किंग भी मिलेगी। और ये है अपना 43mm का। इस टाइप से कुछ फ्रंट मडगार्ड है दोनों ही कलर ऑप्शन में। मडगार्ड का शेप साइज सॉरी कलर ऑप्शन आपका चेंज रहेगा, जैसे कि इस कलर के साथ दिया जाता है अपना पियानो ब्लैक में, वहाँ पे है मैट सिल्वर वाला सेटअप। टायर की बात करते हैं तो 110 सेक्शन का टायर यहाँ पे MRF ट्यूबलेस आपको मिल जाता है फ्रंट में। टायर की ग्रेडिंग है 110/70R17। इस टाइप से अलॉयज का लेआउट है दोनों ही कलर ऑप्शन में। अलॉयज भी आपका ना ऑरेंज ही ये रहने वाला है। टायर सेटअप और ब्रेकिंग सेटअप ये कहना पड़ेगा काफ़ी अच्छा आप लोगों को ड्यूक 200 में या फिर KTM की सारी ही बाइक्स में आप लोगों को मिल जाता है। इस टाइप से कुछ मडगार्ड का लेआउट है, टायर का पैटर्न ये रहा। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग यहाँ पे फ्रंट भी एंड रियर भी बाइब्री का ही मिलेगा। फ्रंट डिस्क का साइज़ है 300mm, 300mm का फ्रंट में डिस्क है। रेडिएटर का साइज़ भी काफ़ी इनफ मिल जाता है। गार्ड इस पर इंस्टॉल आप लोग आफ्टर मार्केट करवा सकते हो। सस्पेंशन पे यहाँ पे आप लोगों को ये मिलेगा एक ब्लैक वाला ही ट्रीटमेंट, गोल्डन ट्रीटमेंट रहे ना तो ये और अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। सो गोल्डन ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है, ये अपना कंप्लीट ब्लैकआउट ही रहने वाला है। सो ये हो जाता है जी अपना फ्रंट लुक कंप्लीट। टायर की वजह से फ्रंट लुक भी काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। साइड प्रोफाइल से देखते हैं तो सीट हाइट यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 822mm का टोटल सीट हाइट है। इस टाइप से ये सीट आप लोग ओपन भी कर सकते हो, जिसमें कि आपका फर्स्ट एड किट वगैरह यहाँ पे प्रॉपर स्पेस इस टाइप से मिल जाती है। ये रहा साइड प्रोफाइल, 822mm का टोटल सीट हाइट है। अगर आपकी शॉर्ट हाइट ज़्यादा ही है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट अगर कह सकते हैं 5'5" भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्टिकरिंग की बात करते हैं तो ड्यूक 200 का यहाँ पे एक स्टिकर आ जाता है फ्यूल टैंक पे, रियर फेयरिंग पे आ जाता है अपना KTM, और एक स्टिकर KTM का आ जाता है आपका रेडिएटर हाउसिंग पे और KTM अगेन। एक हेडलैम्प हाउसिंग पे भी छोटा स्टिकर आ जाने वाला है। फ्यूल टैंक कॉम्बिनेशन में है, मेटल प्लस फाइबर, सो ये कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर टैंक बैग यूज़ करते हो मैग्नेट वाला ना तो वो आप लोग यहाँ पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। कुछ इस टाइप से ये अपना फ्यूल कैप है कंप्लीट ब्लैकआउट। इग्निशन भी फ्यूल टैंक पे ही यहाँ पे रहेगा। 13.4 लीटर, 13.4 लीटर का टोटल आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहता है। टेल सेक्शन देख लेते हैं तो कुछ इस टाइप से ये एक ओवरव्यू बनेगा। अंडरबेली में यहाँ पे एग्जॉस्ट आपको मिलता है। ये अच्छा है कि दोनों ही बाइक अपने पास ना साइड बाय साइड है तो काफ़ी अच्छा फ्रेम ये प्रॉपर बन रहा है। स्प्लिट में ग्रे ब्रेल आ जाती है। इस टाइप से कुछ टेल लैंप है LED विथ क्लियर ग्लास, और ये अपना टेल टाइडी काफ़ी बड़ा साइज है। इसको छोटा आप लोग यूनिवर्सल वाला आफ्टर मार्केट में इंस्टॉल करवा सकते हो। रियर टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से है,
टायर हगर, एक पार्ट टायर हगर, ड्यूल पार्ट, रियर सस्पेंशन, मोनोशॉक जो कि साइड प्रोफाइल से काफ़ी ज़्यादा ही आपका विजिबल रहेगा, मल्टीपल वे एडजस्टमेंट इसको आप लोग कर सकते हो। रियर ब्रेकिंग की बात करते हैं तो रियर डिस्क यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा 230 mm का, 230 mm बाइब्री ब्रेकिंग, फ्रंट भी और बाइब्री रियर भी, ड्यूल चैनल ABS विथ सुपर मोटो ABS यानी कि रियर ABS स्विचेबल आपका रहेगा MID के थ्रू। रियर टायर ही अपना रहने वाला है 150 सेक्शन का जो कि काफ़ी अच्छा ग्रेडिंग ये बना देता है 110 और 150 टायर की ग्रेडिंग है रियर की 150/60R17। अंडर बेली में एग्जॉस्ट है जिसका कि पूरा यूनिट यहाँ से विजिबल है और ये रहा बाइक का अपना फ्रेम जो कि कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेम का कलर भी चेंज रहेगा ब्लैक ऑरेंज के साथ, ये अपना ऑरेंज और ब्लैक ही रहेगा, वहाँ पे आ जाता है अपना सिल्वर और ग्लॉसी ब्लैक वाला। स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो देखो किक नहीं है कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ रहती भी है, और स्पेशली एक चीज़ और ड्यूक 200 के साथ आप लोगों को मिलेगी, अगर नेकेड लेना है तो ड्यूक तो आप लोग ले ही सकते हो बट अगर फेयर लेना है ना तो आप लोग RC 200 भी ले सकते हो, यही सेम इंजन के साथ बाइक अवेलेबल रहती है RC 200 भी। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं अब, 199.5 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है 6-speed गियरबॉक्स के साथ, 25 HP का पीक पावर है और 19.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क है, बाइक का टोटल वेट है 159 kg तो काफ़ी अच्छा पावर टू वेट रेशो भी यहाँ पे मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm का। सो ये हो जाती है अपनी इंजन स्पेसिफिकेशंस कंप्लीट। टॉप स्पीड जैसा कि मैंने बताया कंपनी क्लेम करती है लगभग एक अराउंड 140 से लेकर के 148 तक भी जाती है ड्यूक 200, काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है अपना यूट्यूब पे भी। अपोजिट साइड कुछ इस टाइप से ही अपना रहेगा, चेन का सेटअप ओपन वाला साड़े गार्ड जो कि आप लोग रिमूव भी कर सकते हो, स्पॉकेट का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे मिल जाता है, क्लच का फील भी काफ़ी लाइट है, इस टाइप से ही आ जाता है अपना पास वाला स्विच, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, सिंगल बजर में ही हॉर्न है और स्विचेस सारे यहाँ पे आप लोगों को इल्यूमिनेटेड वाले ही मिलेंगे जैसा कि बजाज की सारी बाइक्स में भी रहता है। राइट साइड पे किल स्विच देन अपना स्टार्टर बार एंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, थ्रॉटल ग्रिप कुछ अपना इस टाइप से है, ना ही चार्जिंग पोर्ट है, हैंडल बार का लेआउट कंप्लीट एक सिल्वर वाला फिनिश लेआउट, इग्निशन यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा फ्यूल्ड टैंक पे और इस टाइप से ये की का लेआउट है, वेव की यहाँ पे मिल जाती है और की सेम है जैसा कि KTM की सभी बाइक्स में अवेलेबल रहती है। ओहो हो, मुझे नहीं पता था यार ये बैटरी इसमें कनेक्टेड है क्या, क्योंकि इस शोरूम पे ना ज़्यादातर बाइक्स पे बैटरी कनेक्टेड नहीं रहती, ज़्यादातर नहीं किसी भी बाइक में कनेक्टेड नहीं रहती बट यहाँ पे अपने को ही कनेक्टेड मिल चुकी है, अब देखना पड़ेगा फ्यूल है बाइक में या फिर नहीं। नहीं जी इसमें बैटरी, अरे 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 लो जी ये तो चोट हो गई अपने साथ स्टार्ट करने में, मतलब बैटरी इसमें इतना बैटरी डाउन ही थी, वो बस एक इग्निशन आ गया था, तो कल कोई नहीं MID भी आप लोग यहाँ से जो ABS है वो भी आपका MID से ही ऑन और ऑफ होगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो ये हो जाती है सारी डिटेल, एक चोट हुई अपने साथ पर कोई दिक्कत नहीं है, सारी डिटेल कंप्लीट ड्यूक 200 के बारे में। ब्लैक ऑरेंज वाला कलर तो आप लोगों ने देख लिया, अब ये रहा ओवरव्यू अपना ब्लैक सिल्वर का, सो मैट सिल्वर वाला यूज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है स्पेशली फ्रंट एंड पे मडगार्ड और फ्यूल टैंक पे, और जो अपना फ्रेम है इसका भी कलर कॉम्बिनेशन आपका चेंज हो जाता है। 2.29 ऑन रोड जयपुर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ब्लैक सिल्वर का भी, सो करते अपना ये वाला वीडियो एंड और मिलते अगली वीडियो के साथ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, और बाइक KTM ड्यूक 200 आप लोगों को कैसी लगी ये चीज़ भी कमेंट में आप लोग ज़रूर से शेयर कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ आप लोग अपने ये वीडियो ज़रूर से शेयर भी कर सकते हो, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी ज़रूर से कर लेना। मिलते अगली वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे, जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी गाड़ियों का भी, टेक केयर, बाय बाय।